मंच पर आसे आज इस भव्य कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, फतेहाबाद से विधायक रहे मेरे छोटे भाई जितेंद्र वर्मा जी, खेरागढ़ फतेहाबाद से चुनाव लड़े हुए उमेश सेठिया जी, छोटे भाई हैं ये भी मेरे, हमारे इस केशव मंडल के माननीय अध्यक्ष श्याम जी, महामंत्री धोला जी, इस क्षेत्र के सक्रिय पार्षद, बल्कि आगरा के कुछ सक्रियतम पार्षदों में एक राजेश प्रजापति जी, और मेरे सम्मानित बंधुओं, इस भयंकर ठंड में एक गर्मजोशी का स्वागत, आप लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस ठंड को दूर कर दिया आपकी गर्मजोशी ने, नहीं कब कब आ रहे थे, हालांकि अभी मैं नीदरलैंड और फ्रांस भी होके आया हूं, -9 डिग्री और -7 डिग्री था वहां पर, लेकिन फिर भी वह सूखी ठंड होती है, यहां ठंड में शीतलहर भी है, उतनी गर्मजोशी आपके स्वागत में। मित्रों, दो तीन बिंदुओं पर बात रखना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो लहरी जी कहा गए, लहरी जी की बात पर बात कर लूं और सुंदर बाबू चंचल जी की बात पर। उन्होंने कहा कि 6 सीटें मिलनी चाहिए 24 में से, आपने इस सीट का जिक्र किया। इस समाज के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो, आप सब जानते हैं मैं हमेशा संघर्षरत रहा हूं, और जब 6 सीटों की बात करते हैं पूरे आगरा नगर निगम क्षेत्र में, जहां पर 3.5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, हम उसको 3.5 मानते हैं, अब आगे बढ़ के 4 होगा भी नहीं होगा, तो दक्षिण के हिस्से में 1.25 आता है या 1.5 आता है, लेकिन पिछली मर्तबा भी आपने देखा कि 3 लोग चुनाव लड़े थे और एक गागौर तो जनरल सीट से लड़ाया था। जनरल कोई वहां ये नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण का काम होगा, ये नहीं कहा जाता कि वाल्मीकि का काम होगा, ये नहीं कहा जाता जाटव का होगा, जो आएगा उसका काम होगा, सबको दवा मिलेगी, सबका इलाज अच्छा होगा, अभी और प्रगति होनी है उसकी, एम्स स्तर तक पहुंचा के मारूंगा उसको। अब आप जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो दिल्ली, बंबई, चेन्नई, जयपुर जाके इलाज करा लेते हैं, लखनऊ जाके इलाज करा लेते हैं, ये गरीब आदमी नहीं जा पाता। अब वो वाला इलाज आगरा में मिलेगा, आप सबको कोई बीमार ना पड़े, लेकिन खजाना खासकर बीमार हो गया तो यही इलाज मिला करेगा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये व्यवस्था देगी सरकार, हमको इसके लिए प्रयास है, ये भी सबके लिए, सफाई कर्मियों को जो कर्मचारी है उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सफाई कर्मी ही क्यों बनते रहे। मैं देखता हूं आप लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आ रही है, प्रशांत जी आयोजन कराते हैं मेधावी छात्र अभिनंदन का, अच्छे अच्छे छात्र निकल रहे हैं आपके समाज से, जब अच्छे छात्र निकल रहे हैं उनको अच्छे अवसर भी मिलने चाहिए नौकरी के, तो मैं इस प्रयास में हूं मित्रों, और माननीय योगी जी ने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया है कि आगरा आईटी का हब बनेगा, आईटी का हब बनेगा, जब आईटी का हब बनेगा या बड़े बड़े डाटा सेंटर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से के सेंटर खुलेंगे, तो आप सबको जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां नौकरी मिलेगी, ये अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जब उनसे कहा कि महाराज जी हमने सुना था कहानियों किस्सों में कि ताजमहल जब बना था तो उसके बनाने वालों के शाहजहां ने हाथ काट दिए, मैंने कहा हमको नहीं मालूम हाथ काटे नहीं काटे, लेकिन सुना है, लेकिन आज ताजमहल हाथ काट रहा है आगरा के मजदूरों के, क्योंकि कोई जहां पर कारखाना नहीं लग सकता, आज पेट पे लात मार रहा है ताजमहल क्योंकि उनके रोजी रोटी के लाले पड़ गए, इसलिए हमको आईटी के हब चाहिए,
और माननीय योगी जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की युग सामने आ रहा है उसमें आगरा में जो लगाएगा उस कारखानेदार को यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज सरकार देगी, जिससे यहाँ पर आकर्षित होकर लगाए, जब यहाँ आकर्षित होकर लगाएगा तो आप जो बेरोजगार होंगे वो सफाई कर्मी जो बनेंगे वहां पर, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मैकेनिक बनेगा, कोई उसका जानकार बनेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी भी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और होगा वो भी। अभी योगी जी ने हमको भेजा